नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभा कपिल और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इसी उपलक्ष में आज मैं बना रही हूं कुछ नमकीन स्नैक्स। इसमें होंगे सिंपल मठरी, कुछ डिज़ाइनर मठरी और कुछ मेथी मठरी, साथ ही कुछ नमक पारे भी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अब फ्रेंड्स, इसके लिए लिया है मैंने मैदा, ये लिया है मैंने 2 कप मैदा। ओके, 2 कप मैदा में मैंने लिया है ये 4 टेबल स्पून यानी कि 4 बड़ी चम्मच घी ले लीजिए, या तो फिर मेल्टेड घी ले लीजिए या तो फिर आप ले लीजिए कोई भी रिफाइंड ऑयल। ओके, इतना तो इसका अनुपात होना जरूरी है। ये लिया है मैंने नमक स्वाद के अनुसार, नमक थोड़ा हल्का ही रखेंगे और थोड़ी सी अजवाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आटे को थोड़ा सा इधर साइड करके और इसमें नमक, अजवाइन और ये जो घी या रिफाइंड जो भी आप ले रहे हैं इसको कर देंगे इसमें मिक्स। इसको कहते हैं शॉर्टनिंग, और ये शॉर्टनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले इसमें ये अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से रब करके ये जो मैदा में हमने डाला है ना तेल या घी, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मैदे को मैंने अच्छे से इसमें कर लिया है मिक्स, और इस प्रोसेस को कम से कम 1 मिनट जरूर दीजिए, ये बहुत ही कंपलसरी है प्रोसेस। और आप देख सकते हैं अच्छे से मैदा हो चुका है मिक्स। अब क्या करना है, हमें इसका गूंथना है आटा, और आटा हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथना है, थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, बहुत हार्ड भी नहीं, थोड़ा सा हार्ड रखना है। और बहुत ही कम कम पानी लेकर हम इसको पहले गूंथ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा हार्ड सा ही हमने ये आटे को गूंथ लिया है। अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लगभग रेस्ट करने के लिए। इस पर लगाएंगे हम घी। घी लगाने से क्या होगा, इस पर बिल्कुल भी पकड़ी नहीं आएगी, ये सूखेगा नहीं। तो इसको हम घी लगा कर रख देते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, इस आटे ने कर लिया है लगभग 15 मिनट का रेस्ट, और मैंने इसको एक बार थोड़ा सा घी लगा के फिर से एक बार थोड़ा सा इसको मसल लिया है। और अब मैं थोड़ी सी, क्योंकि बना रही हूँ मेथी मठरी भी, तो मैं थोड़ा सा आटा निकाल लूँगी मेथी मठरी के लिए। और अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास है ये कसूरी मेथी, और ये मैंने इंस्टेंट वाली कसूरी मेथी अपने आप तैयार की है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी मेथी, ये कसूरी मेथी और थोड़ा सा घी डाल के इसको मैं कर लूँगी मिक्स, ताकि इस पर अच्छे से ये मिल जाए। तो फ्रेंड्स, कसूरी मेथी वाली ही बना लेते हैं सबसे पहले मठरी। और ये बनाऊंगी मैं 2 तरह से, एक तरह से नॉर्मल होती है वो, और एक बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगी कि छोटे वाले छोटे छोटे हमें पीस तोड़ेंगे इसमें से, इस तरह से, ठीक है, कुछ पीस इससे तोड़ेंगे और बस इसको हमें कुछ भी नहीं करना, हथेली से, मतलब हथेली से, पाम से, इस तरह से हम इसे दबा देंगे। ओके, और ये देखिए एक ही मठरी हो गई तैयार, ठीक है। ये छोटी छोटी सी मठरी हम इस तरह से कुछ इससे की बनाएंगे मठरियाँ। इसके लिए हमें किसी बेलन वेलन की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बनती हैं, बहुत ही खस्ता कुरकुरी बनती हैं। बस कुछ भी नहीं करना है हमें, पाम से इस तरह से छोटे वाली मठरियाँ हम बनाकर तैयार करते हैं, जैसे हलवाइयों की आपने देखी होंगी। तो थोड़ी सी मैं इससे की तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी मठरियाँ मैंने ऐसे तैयार कर ली, ये तो बनाना बहुत ही आसान है, बस छोटी छोटी बनाई है ये। तो अब दूसरे की मठरियाँ बना लेते हैं। तो फिर से लिया मैंने एक पोर्शन आटे का, इसका मेथी वाला, और इसको मैं थोड़ा सा रोल कर लूँगी और नाइफ़ की हेल्प से थोड़े थोड़े पीसेस इसके कट कर लूँगी। और अब एक बेलन की हेल्प से एक पीस लेंगे और इसको जैसे नॉर्मल मठरी बनाऊँगी इसकी मैं, ये देखिए इस तरह से, कोई शेप का मैटर नहीं करता है इसमें, कैसे भी बना सकते हैं, थोड़ी छोटी या बड़ी। और ये लीजिए, पहले तो मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल वाली मठरियाँ, तो थोड़ी सी मैं इस तरह से बना रही हूँ, और इनमें फॉक की हेल्प से कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा छेद कर देंगे ताकि खस्ता करारी बने, फूले ना। और ये बाकी बचा हुआ जो आटा है इसको मैं बारीक, काफ़ी पतला बेल लेती हूँ पहले। और अब मेरे पास एक छोटा सा एक ढक्कन है, छोटा सा ढक्कन है, छोटी कटोरी की हेल्प से मैं इसमें से कुछ राउंडल्स कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 8 राउंड्स कट करे हैं, और जो बाकी बचा हुआ आटा है ना, इसको मैं नॉर्मल जैसी मठरी बनाई थी वो बना लूँगी इसकी। और अब ध्यान से देखिए मैंने क्या करना, अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, ये लिया मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा और थोड़ा सा इस पर सब तरफ से फैला दूँगी हल्का हल्का सा, और इससे क्या होगा, लेयर्स बन जाएंगी इनकी। और हल्का सा आटा धीरे धीरे फैलाया मैंने, और थोड़ा सा पानी मैं इसमें बीच में लगाऊंगी, ठीक है, केवल बीच में लगाना है पानी। और उसके बाद फिर दूसरी लेयर रखनी है, बीच में पानी लगाना है हल्का सा, और हल्का सा साइड में लगाना है सूखा आटा। तो क्या होगा, बीच से तो चिपक जाएगा और साइड से ये इसकी लेयर्स बन जाएंगी। तो इससे मैं सभी को अरेंज कर रही हूँ, और अभी लास्ट लेयर है। इसके लिए फिर मैंने साइड से इस तरह से बीच से पहले थोड़ा सा पानी लगाया, और साइड से लगाया थोड़ा सा सूखा आटा, और इसको रख दिया।
ओके। और जो भी बीच में लगाया था ना पानी, उसका रीज़न क्या है, अब लेंगे हम एक स्ट्रो, थोड़ी सी मोटी स्ट्रो लीजिए और इसको इस तरह से हम प्रेस करेंगे। ओके, तोड़ना नहीं है, बस इसको प्रेस करना है। और अब देखिए इसको निकालेंगे इस तरह से, और इसका जो पीछे आगे और पीछे वाले जो हिस्सा है ना, इसको हम इस तरह से चिपका देंगे इधर से, और ये बैक साइड वाला हिस्सा इस तरह से। ओके, और ये डिजाइन आपने शायद मेरे पहले भी, मैंने मटरी बनाई थी उसमें भी बनाया था शायद, उसमें भी देखा हो। और इनकी लेयर्स को हम इस तरह से खोल देंगे, और आप देखिए बहुत प्यारा सा ये फ्लावर ये बन जाएगा। ठीक है, और इसको मैं रख देती हूँ साइड में। तो एक मेथी का फ्लावर बन गया, इस तरह की आप नॉर्मल वाली मटरी से भी बना सकते हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में, चलते हैं दूसरी मटरियों की ओर। और अभी सिंपल वाले आटे को लिया हमने, इसके थोड़ा सा लॉग इस तरह से किया, और फिर से थोड़ा सा इसमें से कट कर लेंगे हम पीसेस, और इनको हम बेल लेंगे। काफ़ी पतला हम इसको बेल लेते हैं, जैसे नॉर्मल बेलते हैं हम पूरी। और बेलने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ओके, और इसके साइड में जो कॉर्नर है इसमें लगा देंगे हम एक लॉन्ग। ठीक है, और जब ये तलेंगी तो ये सबसे इधर से लेयर्स निकलेंगे, बहुत ही बढ़िया सी मटरी बनकर निकलेगी। इस तरह मैं थोड़ी सी मटरियाँ और बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इन सब मटरियों को जो हम बना चुके हैं, इनको रख देंगे ढककर, हल्के से गीले कपड़े से ढककर। अब फ्रेंड्स, अगली तरह की मटरियाँ बनाने के लिए मैंने इसको बहुत बारीक बेल लिया है, और मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, और इससे मैं इसको गोल इससे कटिंग हो जाती है। और देखिए मैं इसको इस तरह से कट कर लेती हूँ, कुछ मटरियाँ इस तरह से गोलाई में कट जाएंगी। यदि आपको इस तरह से नहीं है तो नॉर्मल आप कटोरी से भी कर सकते हैं इस तरह कट। और इसमें फॉक से कर देंगे छेद, ताकि ये फूले ना, और इनको भी निकाल लेती हूँ बाहर। और अब फ्रेंड्स, जो आटा बचा है इसके बना रहे हैं नमक पारे, तो इसको मैं बारीक, एकदम बारीक इसको मैं बेल लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको काफ़ी बारीक बेल लिया है, काफ़ी पतला बेल लिया है, और मेरे पास तो ये है इंस्ट्रूमेंट, इससे बहुत सारी एकदम से लेयर्स कट जाएंगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप चाकू से कर सकते हैं, इससे क्या होता है बहुत जल्दी से एकदम इक्वल साइज में हमारी ये लेयर्स कट जाएंगी। तो मैंने ये पारे इस तरह से कट कर लिए, और जो इधर है सारे इस तरह से मैं इसको कर लेती हूँ कट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बहुत ही बारीक और एकदम से इक्वल साइज में हमारी लेयर्स कट गई हैं। चाहे तो आप चाकू से कट कर लीजिए, अब आपको जितने बड़े चाहिए उतने बड़े आप इसको कट लगा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनको हम तल लेते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह। और फ्रेंड्स, इसको तलने के लिए मैंने रख ली गैस स्टोव पर कढ़ाई, और इसमें जो हम रिफाइंड ऑयल या घी जो भी डालेंगे वो बहुत हल्का गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा एक आटे का पीस डाला, और बहुत हल्का सा ही गर्म है। देखिए, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल लो टू मीडियम चाहिए। और धीरे धीरे हम इसमें अपनी ये सभी मटरियाँ या नमक पानी कुछ भी इसमें डाल देंगे, और इनको पलटेंगे नहीं। जब ये थोड़ा सा चिक जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, तब भी हम इनको पलटेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी देर में ये ऊपर उठने लगी हैं, अब इनको हम थोड़ी सी देर में धीरे धीरे पलट देंगे। और अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं, थोड़ी देर बाद ये बहुत ही कुरकुरी हो जाएंगी, तो अभी तो नहीं पलटेंगे। जब पूरा ये वाइट हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तब इसको पलटेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे हम इनको सबको तल लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इन्हें उलटते पलटते हुए हम इसे निकाल लेंगे। और फ्राइंग का एक रूल है कि इनको हमें एक शेड पहले निकालना होगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डार्क कलर की हो जाएंगी। और ये हमारी बन चुकी है, सिक चुकी है, इनको मैं निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर में। लीजिए, और अब डालते हैं अगला बैच। और लीजिए फ्रेंड्स, हमने डाल दिए नमक पारे, और आप देख सकते हैं इसमें डालने के दम बाद ही अलग अलग हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और अभी इनको भी बस हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी ये जो फ्लेम है बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। और इनको भी हम इसी तरह से सबको तल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मटरियाँ और ये हमारे नमक पारे और सभी स्नैक्स तलकर कर लिए हैं तैयार, और एकदम खस्ता कुरकुरी ये बनी है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कुरकुरी, आपकी आवाज़ सुन सकते हैं इसकी, बहुत कुरकुरी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और नरम है। ये बहुत ही बढ़िया बनी है, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप इसे खुद ट्राई कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की ओर से एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते रहेंगे इस तरह से नई नई वीडियोज़ के साथ, तब तक लिखिए वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।